आज 21 जुलाई रविवार सुबह केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां मलबा आने के कारण कई यात्रियों के मलबे में दबे होने की सूचना है। मलबे से 3 व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ, डीआर, वाईएमएफ प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है और 8 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जहां उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा पर भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। यह संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं। हादसों में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को भी श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम को रविवार सुबह 7:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चीरबिसा के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर आने से यात्रियों के दबे होने की सूचना है। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षा कर्मी, जिसमें एनडीआरएफ, डीआर, वाईएमएफएफ प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लग गई। रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे से 3 व्यक्तियों के शवों को निकाला गया है और 8 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज 21 जुलाई रविवार सुबह केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां मलबा आने के कारण कई यात्रियों के मलबे में दबे होने की सूचना है। मलबे से 3 व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ, डीआर, वाईएमएफ प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है और 8 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जहां उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा पर भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। यह संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं। हादसों में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को भी श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम को रविवार सुबह 7:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चीरबिसा के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर आने से यात्रियों के दबे होने की सूचना है। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षा कर्मी, जिसमें एनडीआरएफ, डीआर, वाईएमएफएफ प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लग गई। रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे से 3 व्यक्तियों के शवों को निकाला गया है और 8 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूट्यूब पर खंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।